Assalamualaikum, my all YouTube family. How are you guys? I hope you all are doing well. So first of all, introduce myself. I am Mehzabeen Arasna, BPT second year student. So today I am discussing about what is physiotherapy and when we need physiotherapist and what will the treatment involve. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होती है. फिजियोथेरेपी एक मेडिकल साइंस की ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के मिक्सचर से ट्रीटमेंट करती है. ये ट्रीटमेंट आपके मूवमेंट से रिलेटेड पेन का करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फिजियोथेरेपिस्ट क्या है. तो फिजियोथेरेपिस्ट को हम मूवमेंट का डॉक्टर भी बोलते हैं. वो हमारी प्रॉब्लम का डायग्नोज करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं, पर वो यहीं पे स्टक नहीं होते हैं. वो ये भी श्योर करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो. इसके लिए वो आपका होम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और प्रॉब्लम को, जो मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसे ठीक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वी नीड फिजियोथेरेपिस्ट. पेन की वजह से जब हमें मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है. अगर डेली एक्टिविटीज़ करते हैं या जिम जाते हो या कोई भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं हम, तो हमारे मसल्स और जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की एक बेसिक प्रोग्राम ट्रीटमेंट होनी चाहिए. और फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि वो आपको काउजेस के साथ साथ सिम्टम्स को भी परमानेंट सॉल्यूशन निकाल के देते हैं. एग्जाम्पल में मान के चलो, आपको बैक पेन का पेशेंट है, उसे MRI कराया, एक्सरे कराया, फिर भी वो ठीक नहीं होता है और उसकी बैक प्रॉब्लम जो होती है, बैक पेन की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो वो पेन किलर लेते हैं. पेन किलर से क्या होता है कि आपका सिम्टम्स तो ठीक हो जाता है, सिम्टम्स तो ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन जो काउजेस होते हैं उसे ठीक नहीं कर सक पाते हैं. मसल वीकनेस जो बनी रहती है वो ठीक नहीं होता है, तो बैक प्रॉब्लम बनी रहती है. इसके लिए जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उसे एग्जामिन करेगा, उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करेगा और बैक पेन की बैक पेन की जो प्रॉब्लम होती है उसे ठीक कर देते हैं. सो एक्सरसाइज सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जितना इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही नॉर्मल पीपल के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने डेली रूटीन में 10 मिनट्स का ही सही, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट विल द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व. कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है लाइक थेरापेटिक एक्सरसाइजेस, बैलेंस ट्रेनिंग, मूवमेंट से रिलेटेड होता है, और बहुत सारे मैनुअल थेरेपी भी है जो रिड्यूस करता है पेन को, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल मोडलिटीज़ भी होते हैं लाइक SWD, IRR, UVR एंड अल्ट्रासाउंड मशीन हो गए, ट्रैक्शन देते हैं, टेंस मशीनें हैं. सो इसी तरह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक का अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.